अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है रेयर कोइन का डिटेल के अंदर एनालिसिस करेंगे, क्योंकि जब इसकी प्राइस जो है यहाँ से डाउनवर्ड के अंदर क्रैश कर रही थी तो आप में से बहुत सारे भाइयों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई रेयर कोइन का एनालिसिस कर दें, बट अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा बिजी था और वीडियो इसके ऊपर ना बना सका, तो उसके लिए आप सभी लोगों से माजरत। लेकिन अब इसकी प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट आ सकता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज क्या हैं, किस तरह प्राइस बिहेव करेगी और किस तरह ट्रेड सेटअप बिल्ड करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन की जाएंगी, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, फ्री सिग्नल्स और अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी से ज्वाइन कर लें। दोस्तों, रेयर कोइन के ओवरव्यू की बात की जाए तो इस वक्त आपको कोइन मार्केट कैप के ऊपर देखने को मिलेगा कि पिछले 24 घंटों के अंदर 2% तक प्राइस ड्रॉप हुई है। 130 मिलियन डॉलर का इसका मार्केट कैप है, 81 मिलियन डॉलर इसका वॉल्यूम है पड़ा। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर टीम काफ़ी हद तक एक्टिव है पड़ी। लॉन्ग और शॉर्ट्स की रेशियो के अंदर कुछ खास फर्क हमें देखने को नहीं मिलता। इसके लिक्विडेशन मैप की तरफ आएँ तो डाउनवर्ड की लिक्विडेशन हमें 0.16 सेंट के ऊपर 3 मिलियन डॉलर, जबकि अपर साइड की लिक्विडेशन हमें 0.20 सेंट के ऊपर 2.71 मिलियन डॉलर, यानी कि डाउनवर्ड की लिक्विडेशन इस वक्त भी इसकी ज़्यादा है। अब टेक्निकली यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले भाई चले जाओ मंथली चार्ट के ऊपर। मंथली चार्ट के ऊपर इसने ये रिसेंट हाई लगाया था जब इसका ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, तो यहीं से जो है मैंने फिब की रिट्रेसमेंट कर ली थी। और ओवरऑल जो है मंथली चार्ट फिलहाल जो है, मुझे अगर पर्सनली मैं यहाँ पर बात करूँ तो टेक्निकली जो है इंडिकेटर्स के मुताबिक और प्राइस एक्शन दोनों के मुताबिक फिलहाल बुलिश है। वीकली चार्ट के ऊपर आते हैं, वीकली चार्ट इस वक्त जो है आपको वीकली कैंडल यहाँ पर जो है बैरिश देखने को मिल रही है, ठीक है, ऑब्वियसली ये कैंडल जो है फिलहाल बैरिश है हमारे पास। इसके साथ साथ अगर आप इंडिकेटर्स टेस्ट करते हैं MACD और RSI को, तो आपको जो है वीकली चार्ट के ऊपर MACD और RSI भी बैरिश नज़र आ रहे हैं। लेकिन प्राइस एक्शन के मुताबिक जो है अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पड़ी वो है ये वाला फिब का की लेवल एरिया जो है 0.16 सेंट वाला एरिया, क्योंकि हमारे पास जो है ऑन चेन डाटा के मुताबिक डाउनवर्ड की लिक्विडेशन भी यहीं पर पड़ी हुई है। और वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास जो है हिस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट जब से इस रेंज के अंदर प्राइस आई है, इस एरिया ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर जो है काफ़ी हैवीली काम किया है रेयर कोइन की प्राइस के ऊपर। तो जब तक हमारे पास यहाँ पर जो है डेली कैंडल और 4 आवर की कैंडल इस वीकली कैंडल से अबव वीकली रेजिस्टेंस एरिया या फिर आप फिब का की लेवल एरिया ले लें, जब तक इस एरिया से अबव है पड़ी हम जो है रेयर कोइन के ऊपर बुलिश हैं पड़े, जब तक ये 0.16 सेंट वाले एरिया से अबव ट्रेड कर रहा है। यानी कि आसान अल्फाज के अंदर आपको समझाऊं तो आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर जो मार्केट की हालत चल रही है उसके मुताबिक जो ये 0.16 सेंट या इसके थोड़ा सा बिलो भी जा सकती है, ठीक है, इससे थोड़ा बिलो भी जा सकती है, उसके बाद दोबारा से ये अपवर्ड को बाउंस बैक कर सकती है। मैं लाजमी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर भी, क्योंकि हमें 2 रेड कैंडल्स देखने को मिल गई हैं, तो अब जो है हमें डेली चार्ट और फॉरवर्ड चार्ट के ऊपर एक बाउंस बैक जो है रेयर कोइन की प्राइस के अंदर लाजमी देखने को मिलेगा, और वो ये ही रेंज हो सकती है, ठीक है, 0.17 सेंट से लेके 0.16 सेंट वाला यही रेंज जो है एरिया हो सकता है जहाँ से जो है अब जो है आपको रेयर कोइन की प्राइस के अंदर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन उस पर भी आपने ट्रेड लेने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि 4 ओवर चार्ट, 1 ओवर चार्ट, 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर आपने कंफर्मेशन इंडिकेटर्स के मुताबिक लाजमी ले लेनी है। MACD, RSI और बुलिंजर बैंड को जो है लाजमी टेस्ट कर लेना है, क्योंकि 4 ओवर चार्ट के ऊपर अभी भी अगर आप देखें तो आपको जो है MACD और RSI जो है वो टोटली बुलिश नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो सकता है कि रेयर कोइन की प्राइस जो है डायरेक्टली यहीं से अपवर्ड को पम्प कर जाए, या फिर जो है जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया डेली टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर कि इसकी प्राइस जो है हमारे पास लिक्विडेशन जोन जो कि हमारे पास डाउनवर्ड को है पड़ा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला एरिया 0.16 सेंट, या फिर जो इसके मज़ीद थोड़ा डाउनवर्ड को ड्रॉप करके दोबारा से अपवर्ड को ब्रेकआउट दे के प्राइस पम्प कर सकती है। तो ये मूवमेंट जो है शॉर्ट टर्म के अंदर रेयर कोइन की प्राइस के अंदर एक्सपेक्टेड है पड़ा, और इस तरह प्राइस ने बिहेव किया तो पर्सनली भी मैं ट्रेड ढूँढूँगा, और अगर मुझे ट्रेड मिली तो अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को लाजमी से ज्वाइन कर लो, दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है पड़े। इसके अलावा जो है हमारा प्रीमियम ग्रुप भी है पड़ा। इस मंथ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 20 ट्रेड्स दी, जिसमें से 2 के SL हिट हुए, बाकी हमने 18 ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट बनाया 85% की एक्यूरेसी के साथ, ऑलमोस्ट 980% लेवरेज के साथ, और 98% बिना लेवरेज के प्रॉफिट बनाया। तो ट्रेडिंग के अंदर अगर रेगुलरली लॉस कर रहे हो तो हमारा प्रीमियम ग्रुप ट्राई कर लो, जिसकी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। व्हाट्सएप का नंबर दिया होगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, उस पर रब्ता करके भी आप हमारा VIP ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।